ऐसा स्ट्रेट बोलो बस इसको ना कैंसिल करा दे, मेरा बिल्कुल जाने का ना अब दिल नहीं। वाह आयत की चोटी तो टेढ़ी मेढ़ी होगी, आज सामने दिखाओ। ये देखो अपना पूरा मेकअप वेकअप करके आई है, इसको अपनी सहेली के घर जाना है। कहाँ जाना है, कहाँ रेडी होके आई हो? कौन से फ्रेंड के घर? फातिमा। फातिमा के घर जाना है, वो तो मम्मा की फ्रेंड है। अच्छा मैं अलजा के घर जाती हूँ। अलजा के घर जाओगी? अलजा मेरी फ्रेंड है। हाँ अस्मारा भी है। तो यहाँ पर हो रहा है हमारे नाश्ते का टाइम। यहाँ पे मैंने तीनों बच्चों के पराठे बना दिए, मेरा पराठा तो होता नहीं है, मैंने सुबह बॉयल एग ले लिए थे। और साथ में यहाँ चाय रखी है, चाय बन रही है। बाकी सबके लिए सालन भी तैयार हो गया है और मेरा बच्चा भी आ गया है यहाँ पर। चलो बैठो मम्मा भी नाश्ता लेकर आती। और जब ऐसे पराठे के डो बना के रख दो ना तो हाथों से फैला दो, तो इससे जो है ना और पराठे क्रिस्पी बनते हैं। बेलने से मैं नहीं बेलती, जब हाथों से ऐसे पूरा फैल जाए तो और अच्छे बनते हैं। आटा बहुत ठंडा होता है और हाथों से नहीं फैलते, तब मैं बेलना इस्तेमाल करती हूँ। चलो ये देखो ये बन भी गया। क्या कर रही हो? मम्मा आपके लिए पराठा बना रही है। आपको पराठा अच्छा लगता है? मैं आपको देखूं? देखो अच्छी है। अच्छा बन रहा है? लेकिन मम्मा ये आटा है। पराठा ये क्या किया यहाँ से, ये क्या किया आपने? ये लास्ट पराठा था, ये पराठा हमारा तैयार हो गया है। और इस साइड पर देखो तब तक चाय भी तैयार हो जाती है ना। एंड में रह गए हैं इनके अंडे। ये मैं धनिया तो कल रात से ही नहीं था, थोड़ी सी प्याज ले ली और थोड़ी सी हरी मिर्ची ले ली बस। आराम से ऐसे घुमाते जाना, सर टर्न करते जाना है। और इस तरीके से अगर मैं बना कर दूँ ना तो तीनों बच्चे जो है ना शौक से खाते हैं। और ऐसा फैला के से बना के रख के दो ना, पता नहीं क्या इनको फिर नहीं खाएंगे। में से भी कट कर लेंगे ताकि अंदर से भी पक जाए इस तरह से। और इसकी भी ना दोनों साइड से ऐसा पका लेना है। ये देखो ये बन गया है मेरे बच्चों का, तीनों का नाश्ता बन गया, पराठे हो गए और साथ में मैंने अपना चाय बना लिए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर खैरियत से। और ये बनाया अभी 12 बजे बच्चों का नाश्ता। मैंने और अब्बू ने ना सुबह सुबह ही नाश्ता कर लिया था। मैं सुबह बॉयल एग लेती हूँ और अब्बू जो है ना सुबह अंडा पराठा और सालन थोड़ा बहुत साथ में लेते हैं, तो उनको मैंने सुबह मॉर्निंग में नाश्ता कराया था, हम दोनों ने एक्सेप्ट किया। और ये दोपहर का हमारा सालन तैयार हो गया और ये अभी 12 बजे बच्चों का नाश्ता तैयार हुआ। पराठा खाना है, बस हो गया। चलो अब चलते हैं। चलो मैंने अपने मुंह पे डाला। ये लो मुस्तफा, ये आपका, ये तैयबा का। ये अपना पराठा कब से शुरू करके बैठी हुई खा रही है। चाय के साथ खाऊंगा। नहीं ये तो खाओ मुस्तफा। चिकन खा रही हूँ। हाँ देखा इसको, ये लगता है कि चिकन है इसलिए तो ये खाती है। नहीं खाएगी नहीं खाएगी लगा दो। ये लो बिस्मिल्लाह, पूरा पराठा आज खत्म करेगी। नहीं उतर रही, खाओ। बिल्कुल ठीक खड़ी है आपकी लिपस्टिक, देखो। लड़की को नाश्ता करवा रही हूँ और भाग के आई है कि मुझे देखना मेरी लिपस्टिक ना उतर गई हो। दिखाओ फेस, दिखाओ। बिल्कुल भी नहीं उतरी आज जो नाश्ता करे थे। अब सबका नाश्ता हो गया और अब्बू का हो रहा है अभी दोपहर का खाना। मैंने यही से सीखा है। क्या इससे कपड़ा? कौन सा कपड़ा? तो चलो यहाँ पर हम सबका नाश्ता भी हो गया है और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए और इनको भी हमने दोपहर का खाना वैसे खिलाया। अब्बू के साथ नाश्ता तो नहीं कराया, दोपहर का खाना खिलाया। पता हमने क्या सोचा है? चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी है। पता हमने मीठा कम, अभी पहले से कम कर दिया। आज मुझे चाहिए मेरी गाड़ी की चाबी और मुझे मेरा कार्ड। एक मिनट, मुझे मेरी गाड़ी की चाबी चाहिए और मुझे कार्ड चाहिए। मैंने अपने बच्चों को बाहर लेकर घुमाने के लिए जाना, आज हम अकेले जाएंगे। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ गाड़ी की चाबी दो और कार्ड भी दो। चाबी की लटकी हुई है। हाँ गाड़ी की चाबी लटकी हुई है हैंगर पर, बाहर लटकी हुई। और कार्ड कहाँ है? कार्ड भी गाड़ी में। आज मैं अपने बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाने वाली हूँ, आज हम कहीं डिनर करेंगे, ठीक है? यस। खतरनाक है। अब्बू कह रहे हैं मैं नोबिता को अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ दे दो ना अब्बू को, वो पसंद है नोबिता। अब्बू कह रहे नोबिता खतरनाक है। मेरा वहाँ नोबिता है। हाँ अब्बू के पास भी एक नोबिता है वहाँ पर।
अपने गांव में, वो ये साथ में ले जाएंगे तो दो दोस्त बन जाएंगे ना। हाँ, दो लबी पे। बस ये सारा दिन बच्चे बैठे रहते हैं अब्बू के साथ बातें सुनाते हैं अपनी। ये देखो यहाँ पर हमारी आयत रेडी हो गई है। तैबा को भी मैंने कपड़े वपड़े निकाल कर दिए, वो तैयारी कर रही है। चलो तैबा हो गई, रेडी हो गई। आप नीचे जो, पापा आपको बुला रहे हैं, तस्वीर खिंचवानी है ना। डिज्नीलैंड नहीं जाना फिर आपको, इधर ही मम्मा के साथ बैठना है। मम्मा भी डिज्नीलैंड जाएंगे, मैं भी डिज्नीलैंड जाऊंगा और भाईजी भी डिज्नीलैंड जाएंगे। शाबाश मम्मा की गुड़िया। और देखो यहाँ पर अभी हम भी तैयार हो गए हैं और हम जाने वाले हैं तस्वीरें खिंचवाने के लिए, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रिप पे काम आएंगी। इससे पहले हमारी कराची वाली थी छोटी, जो पासपोर्ट साइज की पिक्चर होती है ना वो काम आती है। तो पहले जो कराची वाली थी ना वो हमने भेजी, लेकिन उन्होंने फिर कल रात मेरे हस्बैंड को मैसेज किया कि वो सही नहीं है, कोई पता नहीं क्या शाइनिंग वाली, अब मैट वाली खींच के भेजो, कुछ ऐसा था, पीछे बैकग्राउंड शाइनिंग वाला नहीं चाहिए, तो दोबारा भी खिंचवानी पड़ेगी मेरी, बच्चों की, सबकी। तो उसके लिए जा रहे हैं। अबू अंदर सो रहे हैं। अबू तो चले गए अंदर सोने के लिए। यहाँ पर मेरी तैबा रेडी हो गई। रेडी हो, चले इधर से कान दिखाओ, अभी कानों में दर्द तो नहीं होता? नहीं। सही हो गए? यो डिज्नीलैंड, डिज्नीलैंड जा रही हो? इसने तो जब से हमने तैयारी शुरू किया तब से डिज्नीलैंड कर रही है। हाँ, तस्वीरों के लिए तो जा रहे हैं। चले बैठ गया मुस्तफा, बैठा है आगे, जल्दी भाग के। आयत कहाँ है? आयत कोई जूते नहीं पहन रही, कहती है भले चले जाओ मैं नहीं जाऊंगी बगैर जूतों। किसको, हर टाइम नए जूते चाहिए, जो मैं नए लाई हूँ ना अभी वही पहन के जाने से। वो हम डिज्नीलैंड जब जाएंगे ना वो जूते तब पहनना, आप अभी के लिए नहीं है। चलो बैठो, क्यों घर पे रहना है, मैं तो नए जूते दिलाऊंगी। चलो अभी जाने में इतना टाइम है, और जो भी नए कपड़े जूते जो भी थे ना इनको अभी से वो सारे पहन कर जाने। चलो आजा, खुल गया। हमेशा जो है ना बगैर ब्रश के यही आता है यहाँ पर, सबसे पहले आकर इसको ब्रश करना है अच्छे से पिक्चर क्लिक करने के लिए। ये दोनों तो रेडी होकर, पहले सबसे पहले कौन बैठेगा? आयत बैठेगी, आपके भाईजान की खींच ले, फिर आपकी बारी। इतना सीरियस होके बैठना है। चलो अभी बारी है तैबा की। अच्छा कान दिखने चाहिए, कान मेरी तो कान दिख रहे हैं। हाँ हाँ आपके दिख रहे हैं, ले इसकी खींच ले फिर आपकी बारी आएगी। हो गई, चलो नेक्स्ट आयत। सीधा बैठना है और सीधा देखना है, बिल्कुल तस्वीरें खिंचवाने का बहुत शौक है। गुड गर्ल, नहीं फेस करना है, थोड़ा सा फेस है ऐसे। हो गई, सही है ये, ठीक है ये, अच्छी है ये आपकी। आपकी भी है? हाँ, इसी। चलो बैठो, ओके पापा की बारी है। चलो पूरी फैमिली की जो ना पिक्चर यहाँ पर हमने खिंचवा ली है, और ये मिलेंगी कल ना? नहीं, अभी घंटे बाद। घंटे बाद मिलेंगी? घंटे बाद दोबारा होंगे लेने के लिए। हम आ गए हैं वापस, दूध भी साथ में लेकर आ गए, और बस तस्वीरें खिंचवानी थी। और मैं बनाने लगी हूँ अपनी अभी इस दूध की फ्रेश फ्रेश चाय। हस्बैंड गए अपने दूसरे घर पे, बस तस्वीरें खिंचवानी थी, वो खिंचवा कर वापस आ गए। जो दोपहर में खाना बनाया था ना, ये रहा चिकन, बच्चों को यही गर्म करके सबको दे दिए, और अब्बू को भी यही दे दिया, सबने खाना वाना खा लिया। चाय रखती हूँ अपनी। दूध वैसे डेली का ना हमारे घर पे आता है ना, तो हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम पहले कम ले रहे थे, और अभी घर पे जैसे अब्बू है ना चाय के शौकीन, जैसे हम चाय के शौकीन है ना वैसे अब्बू भी चाय के शौकीन है ना, तो इस वजह से आज दूध जल्दी ख़त्म हो गया, वरना इस टाइम तक बचा रहता है। क्योंकि सबके लिए ना अलग अलग चाय बनती है, जैसे सुबह मैं उठूंगी मैं अपने लिए और एक अब्बू के लिए कप बना लूँगी, बॉयल एग कर ली, और उसके बाद फिर जब बच्चे 12 बजे उठते हैं फिर उनके लिए बनेगी, फिर साथ में मैं भी अपना कप ले लेती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड आएंगे फिर उनके लिए अलग से बनेगी, इस तरीके से फिर अब्बू के भी साथ में बनते हैं, तो इस वजह से अब दूध कम पड़ रहा है, वरना पहले जो हम ले रहे थे ना वो पूरा हो रहा था। और अभी जब से ये स्कूल की छुट्टियां हुई हैं अलग अलग चाय बनती है तो दूध ज़्यादा खर्च होता है। पहले तो सुबह एक ही दफ़ा बनती थी, जैसे बच्चे स्कूल गए तो साथ में मैं भी ले लेती थी, दूध से ना थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, ताकि सुबह सुबह जैसे अब्बू जल्दी उठते हैं तो उनको सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मेरे हस्बैंड फिर सुबह सुबह इतना जल्दी अब नहीं आते, अब वो थोड़ा लेट आते हैं। अब जो है ना दूध वाला भी फिर लेट आता है, जैसे सुबह सुबह नहीं आता, वो भी तकरीबन 10, 10:30 या 11 तक ऐसे ही आता है। खाना वाना खा लिए तो ये भी पैक करके रखना है।
ये देखो ये बचा है पूरा एक मग दूध का, इसको अभी हम फ्रिज में रख देते हैं। और हाँ ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं कि इतना बड़ा कोई वाटरमेलन मिला, ये देखो नहीं 5-6 किलो से भी ज़्यादा हो गए, बहुत वजनी और बहुत बड़ा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि इसके ऊपर पड़ा है ये कहीं वजन से टूट ना जाए। रख तो दिया अंदर अनिता ने। और ये रही हमारी पत्ती, ये मेरी चाय की पत्ती। हमारा दूध इलायची और चीनी बॉयल हो चुका है, अभी मैं पत्ती डालने लगी हूँ। हमारी चाय देखो पक गई है और कलर देखो चाय का कितना प्यारा आया है ना, और इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है चाय की ना, काफी टाइम। सारे डब्बे रखते हैं वापस। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि ना इस दफा मेरा दिल इतना कोई उदास है, मतलब पहले तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि हम इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा मतलब दिल नहीं कर रहा जैसे जाने को, ना कि मैं ना जाऊं, वही पैसे मैं अपने घर पे खर्च करूं। और ये सारी प्लानिंग की भी मेरे हस्बैंड ने थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री, उनको बहुत ज़्यादा दिल होता है कि हम कहीं बाहर जाएं घूमने फिरने के लिए। और इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं यही पैसे ना अपने घर पे खर्च करूं अपनी मर्जी से, मतलब जो एक आप अपने हाथों से घर बनवाते हो ना उसकी तो एक बात ही अलग होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मर्जी से आप अपने कैबिनेट, अपनी मर्जी से टाइल, अपनी मर्जी से चूल्हा, हर एक चीज़ अपनी मर्जी से लगवाओ, वहाँ दिल भी बहुत ज़्यादा लगता है, अपनी मर्जी से रूम सेट कराओ। तब इन्होंने प्लान बना लिया तो फिर हमने सोचा चलो अब चलते हैं। और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। शुरू के दिनों में ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा दिल बैठा जा रहा है, दिल उदास है, दिल नहीं कर रहा मेरा जाने का। मैं सोच रही हूँ कि ना हम इस ट्रिप को ना कैंसिल कर दें, मेरा दिल कर रहा है मैं अपने हस्बैंड को ना फ़ोन करूँ कि बस मुझे नहीं जाना, इस ट्रिप को हम कैंसिल करते हैं। हलीमा आइए। तैयबा सारे जाग रहे हैं जी। लो, 2 कप बन गए। हलीमा तुम्हारे हिस्से की भी चाय बन गई, तुम्हारा नसीब भी जुड़ा था साथ में चाय का। थैंक यू। बैठ के चाय पियो। चाय तुम्हें अच्छी लगती है जी? अच्छी लगती है। लाइट सब कुछ ऑफ, और देखो इधर अबू सो रहे हैं, अबू को भी नींद आ गई, सब सो रहे हैं, नोबी को भी नींद आ रही। ये मेरे तीनों बच्चे हैं ना, ये एसी वाले रूम से ना निकलते नहीं। क्या हो रहा है, लग गए कलर हाथ? क्या बनाया है आयत? मैंने आपके लिए बनाया हार्ट बनाया। इसकी खुद की लिखाई है, जब मुझे आई लव यू लिखना होता है तो 1 2 3 4 लिख देती है। 1 नहीं, इसका कोई कोड है, 1 4 5 8 3। इस कोड में आई लव यू लिखा जाता है आयत? ये आई लव यू ऐसे लिखते हैं? आयत मामा को सिखाओगी आई लव यू कैसे लिखते हैं? 1 4 5 8 3 3। ये आई लव यू है? आई लव मॉम। थैंक यू सो मच। मॉम आई लव यू। अभी मैं आ गई हूँ बैल्कनी में और इसी के साथ अपना व्लॉग करती हूँ एंड। आज मेरा बनाने का बिल्कुल नहीं दिल था, लेकिन थोड़ा बहुत हिम्मत करके व्लॉग बनाया। अजीब सी ऐसे तबीयत थी, अजीब सा दिल हो रहा था, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो क्या होता है कि हर आए दिन मेरा व्लॉग मिस हो जाता है, आप डेली पूरा दिन इंतज़ार करते हो, शाम को तो बहुत एक साथ कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, अभी तक व्लॉग नहीं आया। हम कल से एक नया व्लॉग और प्रॉपर एक रूटीन के साथ शुरू करेंगे। बाहर जाने का प्लान है, एयरपोर्ट वाला उसको कैंसिल कर दें, डिज्नीलैंड को कैंसिल कर दें। झूले पर बैठूंगा। को भागो भागो भागो। चलो ये देखो सारी कलरिंग वलरिंग करके सब कुछ रूम कैसे फैला दिया है। और ये टाइम हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं और अभी लाइटें सारी ऑफ करके जबरदस्ती इनको सुलाया है, इनका किसी का भी सोने का मूड नहीं है। स्कूल नहीं है तो सोना तो है ना। न्यू हाउस है जगह। गुड नाइट। गुड नाइट तैयबा। गुड नाइट। इसके अलावा जब से मुझे इन खिलौनों से डर लगा ना, सारे खिलौने हमने यहाँ से हटा लिए, वैसे पड़े तो हैं काफी। मैंने हटा दिए। आप अच्छी बच्ची हो ना। हाँ, मैं हर टॉय हटा दी हूँ और सीक्रेट रूम पे रखती हूँ। सीक्रेट रूम में रखे हैं? हाँ, लेकिन आपको डर नहीं लगता वहाँ पर, तो आपको टॉयज नहीं दिख रहा। थैंक यू आयत। वेलकम। असल में ये बताना चाह रही हूँ, इसको उर्दू सही बोलने नहीं आती, कि आपको डर लगता था तो मैंने वहाँ से सारे टॉयज हटाकर अंदर इधर सीक्रेट रूम में डाल दिए। हम कल शाम जाएंगे। अभी रात हो गया, चलो सो जाते हैं। हाँ। सुबह हो गई,
हल्की हल्की धूप निकलना शुरू हो गई। सुबह सुबह हमें कितना अच्छा लगता है ना, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता, सिर्फ परिंदों की आवाज होती है। और देखो यहाँ पर रात में भी यहाँ पर चांद होता है और सुबह मॉर्निंग के टाइम पे भी यहाँ पे चांद होता है। देखो सुबह हो गई, पूरी रात सोते सोते पहले तो बच्चों ने नहीं सोने दिया, उसके बाद थोड़ी आंख लगी तो 4 बजे अम्मी का फोन आ गया, उसके बाद फिर मुझे नींद ही नहीं आई। और इसके अलावा ना मैंने बहुत सारे कमेंट भी रीड किए, कमेंट अभी सुबह के 5:30 बज रहे तो नींद नहीं आ रही थी और मैंने कमेंट इतना रीड किए हैं कल से, जो मैंने थोड़ी बहुत अपनी फीलिंग्स के शेयर कर दी उस पर मुझे इतने कमेंट, तुम कोई वाहिद औरत नहीं, और भी ऐसे बहुत सारी औरतें गुजार रही हैं जिनके शौहर 24 घंटे जॉब करते हैं, जिनके शौहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, वो भी अकेली रहती है, हर हस्बैंड हर किसी का शौहर ऐसा होता है, मतलब कि ना वो कामों में बिजी होता है, बीवी को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता, ये सब की लाइफ का हिस्सा है, कौन सा तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। तो देखो मैंने भी अपनी शादी के 13 साल शुरू में ऐसे ही गुजारे हैं, मैंने भी जॉब की है, हस्बैंड ने भी जॉब किया 24 घंटे, वो भी जॉब करते थे, हमने भी टाइम गुजारा है। और इसके अलावा आउट ऑफ कंट्री सऊदी भी गए थे 6-7 महीने, काम नहीं हुआ था तो वापस आ गए थे, तब पीछे हम भी अकेले ही रहे थे, राशन हो कुछ भी खरीदना करना सब कुछ मैं ये बाया पहन के बाहर जाती थी, बच्चे बीमार हैं कुछ भी मैं ही लेकर जाती थी बाहर, और तब भी अकेले थे, बात वो वाली नहीं है, अकेले हमने भी टाइम गुजारा है। और बात यहाँ पर ये हो रही है कि जब आप इतना ज़्यादा एक रिश्ता चलाने के लिए ट्राई करते हो, कोशिश करते हो ना, और वो सब आप जानते हो, और उसके बदले में वहाँ पर आपके लिए कोई फीलिंग्स कोई एहसास ना हो, तब उस बात का दुख होता है। और उस दुख में ही मैंने कल बोला था, और मैंने कोई रात को 2 बजे वीडियो नहीं बनाई थी, मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि कोई शोहर भी पागल नहीं होगा कि रात को 2 बजे उठेगा, चाहे उसकी एक भी बीवी हो, कोई नहीं उठेगा, हम उसको भी 2 बजे उठाएंगे तो वो पागल हो जाएगा, उठेगा ही नहीं। तो मैंने रात को 11:30 बजे वीडियो बनाई थी और टाइम भी दिखाया था कि इस टाइम वो मुस्कुराने का दिल कर रहा है। नीचे गई थी और कुछ पड़ा ही नहीं था, सब्जी ही नहीं थी, फिर बाहर फ्रेंड्स के साथ वॉक की बाहर, तो उन्होंने बाहर से ऑर्डर किया, बातें बातें करते 1:30 का टाइम हो गया जब मैं घर पे आई थी, तो ये वाली बात थी। और रही बात फीलिंग्स की, एहसास की मैंने की है, जो कि वाकई में नहीं है, मुझे दुख होता है जिन चीज़ों की वजह से हम ये रिश्ता चला रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से मैं इतने टाइम से इस चीज़ को चला रही हूँ रिश्ते को, अपनी औलाद के लिए। अब औलाद को ये नहीं है कि सिर्फ आप उनसे पूछो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या लेना करना, हर एक चीज़ वो तो मुझे भी पता है कि मैं किसी को भी पैसे दूंगी वो चीज़ें मुझे भी मिल जाएंगी। एहसास का मतलब ये होता है कि खुद से उस चीज़ का एहसास हो कि आज का आयत जैसे कि रात में रोती है तो थोड़ी देर मैं इसके साथ सो जाऊँ, या फिर कोई बात नहीं एक आधी रात यहाँ पर सो जाती हूँ, मतलब कि ना उनकी ये रूटीन बन चुकी है कि बस दिन में आए काम वाम की और रात को फिर वहीं पर निकल जाते हैं, मतलब वहीं चले जाते हैं। अब नहीं बोलती कि आप रुको रुको रुको, क्योंकि शुरुआत में हमने ये चीज़ें बहुत की हैं, हाँ तो लड़ाई झगड़े हुए हैं। और उसके बाद कि मुस्तफ़ा है, मतलब तैयबा है, शुरू में ये पूछते रहे थे जब शुरू में यहाँ पर अलग घर लिया था सारा कुछ, तो मैं इनको बोलती थी कौसर है वहाँ पर, इब्राहिम है, तो बच्चे समझ गए थे। लेकिन अभी आयत छोटी है, उसको मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट नहीं कर सकती, वो रोती है, मुझे आप शुरू में आप सबने देखा भी था कि आयत ना अपने पापा के बगैर सोती भी नहीं थी, अब उसको आदत हो गई मेरे साथ सोते हुए, लेकिन फिर भी रोती है जब उसको पता चले अभी तो पापा इधर थे कहाँ चले गए जाते हुए, तो कब आएंगे, तो उसको मैं ये बोल देती हूँ हाँ सुबह आ जाएंगे काम के लिए गए हैं, तो ये सारी चीज़ें उसको समझाती हूँ। तो उन सारी चीज़ों के लिए हमारा दिल दुखता है, अगर कि हाँ कहीं जॉब पे जाते काम पे जाते तो मैं बोल देती हूँ हाँ पापा वीकेंड पे आएंगे, पापा इस टाइम पर आएंगे, आप वेट करो। और इसके साथ साथ वो कोई जॉब भी नहीं करे, कोई ऐसा बिजनेस भी नहीं करे जिसके उसमें वो निकल जाते हैं तो चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिलता, मतलब काम सारा तो वैसे भी मैं ही देख रही हूँ, सारा कुछ मैं ही कर रही हूँ, उसके बदले में अगर बच्चों के साथ सो जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके बिस्तर में आकर थोड़ी देर बैठेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, वही दिल दुखा हुआ था, थोड़ी बहुत मैंने बातें की हैं, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं दुनिया में कोई वाहिद औरत हूँ और मेरे साथ बहुत वो हो रहा है, बहुत सारी औरतें हैं जिनकी लाइफ ऐसी चल रही है और हर किसी की फीलिंग्स होती हैं, हर किसी का दिल दुखता है, स्पेशली अपने बच्चों के मामले में ज़्यादा दुखता है कि बच्चों को टाइम तो कम से कम देना, उनके बिस्तर पर आकर लेटे जैसे आयत उनके साथ होती है, वो सारी चीज़ें कि उनको खुद से इस चीज़ का एहसास क्यों नहीं होता। अब जब हस्बैंड ना खुद से एहसास करे कि मेरा दिल कर रहा है, भला बच्चे तो जिद करते ही करते हैं ना, मेरा दिल कर रहा है मुझे आज बच्चों के साथ इधर ही सोना इधर ही रहना, ये क्या कि हम कहीं पर मार्केट गए वहाँ से लेट हो गए ज़्यादा टाइम हो गया, हफ्ते में एक आधी रात वो यहाँ पर सो जाते हैं वरना वो वहीं पर ही चले जाते हैं, ऐसे तो जहर से बात कितना टाइम चलेगा ना, और दिल दुखता है
और कभी ना कभी फिर इंसान अपनी फीलिंग्स शेयर कर ही देता है, थोड़ी बहुत ही की है। मैंने कोई कुछ ज़्यादा इतना कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो बहुत कुछ बर्दाश्त कर जाती हूँ, मैं नहीं बोलती। नहीं, जिस पे गुजरती है, जिसके साथ होता है पता, तो उसी को चलता है ना, बातें सुनने से तो कुछ भी नहीं होता। तो खैर, नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा जाते जाते ना ये वाली बात शेयर कर दूँ कि बहुत फ़र्क होता है एक बंदा बाहर किसी कंट्री में काम करे और एक बंदा अपनी आँखों के सामने कोई काम कोई नौकरी नहीं है, ऐसे ही जाए कि डेली का उसने एक रूटीन बना रखी और अपने बच्चों को भूल जाए, उस चीज़ पे दिल दुखा है। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड। अभी जाऊँ मैं, नाश्ते की तैयारी करेंगे। देखो दिन हो गया पूरा, सूरज भी निकलना शुरू हो गया।